तो सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम हम देखते हैं जिसको हमने यहाँ पे बनाया है। ये हमारा डेटा वैलिडेशन को चेक करेगा वाइल लूप के जरिए। तो हमने कहा है डबल नंबर, एक वेरिएबल लिया है जिसकी टाइप क्या रखी है, डबल। और हमने कहा है सी आउट इंटर अ नंबर इन द रेंज 1 to 100। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एक नंबर डालो जो कि 1 से 100 के दरमियान में हो। अब यूज़र जब इनपुट करेगा नंबर, तो वो 1 से लेके अगर 100 के दरमियान में कोई नंबर इनपुट करेगा तो यहाँ पर वो अपना इनपुट देगा सी इन करके। मतलब 1 से लेके 100 के दरमियान के नंबर हो गए 2 से 99 तक के नंबर, ठीक है। अगर चे नंबर इसके दरमियान में कोई इनपुट किया तो ये लूप आके कंडीशन चेक करेगा। लूप कैसे कंडीशन चेक करेगा, लूप कह रहा है व्हाइल नंबर लेस देन 1। ये जो बीच में आप दो निशान देख रहे हैं ये एक ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल, इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें दो कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को ट्रू करवाना होता है। मतलब डबल कंडीशन टेस्ट है, लेकिन उसमें दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सी एन नंबर जो भी इनपुट किया, अब आप जहन में सोचें कि हमने इसमें नंबर डाला 5, तो ये क्या चेक करेगा। पहली कंडीशन, क्या नंबर 1 से छोटा है, क्या 5 1 से छोटा है, नहीं। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हो गई आपकी ट्रू। और क्या नंबर 100 से कम है, 100 से भी कम है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये लूप चलेगा, और जब लूप चलेगा तो ये कह रहा है एंटर अ वैल्यू नहीं। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पे हमने डाला 5, प्रोग्राम को चला दिया हमने और इंटर किया। तो देखें ये प्रोग्राम जो है, आगे नहीं चला। बात समझ में आई, देखो दोनों कंडीशन क्या कह रहा है, वाइल नंबर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं है, 1 से बड़ी है, तो ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गई। और नंबर की वैल्यू 100 से छोटी होनी चाहिए, 100 से छोटी है, गलत पढ़ रहा हूँ, ग्रेटर देन है, नंबर की वैल्यू 100 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से छोटी भी नहीं है और 100 से, तो दोनों सिचुएशन में कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ट्रू होगी तो चलेगा ना। तो अब हम डालते हैं इसके अंदर एक सौ दो, क्या ये लूप चलेगा। देखो कंडीशन, देखो क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, नहीं है, बड़ी है, तो यहां पर तो हो गया फॉल्स। क्या ये वैल्यू नंबर से बड़ी है, 100 से बड़ी है, 100 से बड़ी, ट्रू हो गया ना, तो चलेगा। भले एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, जब भी लूप चलेगा, और दोनों ट्रू होंगे तब भी लूप चलेगा, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे फिर नहीं चलेगा। अब 103 डाल रहा हूं, माइनस 1 डाल रहा हूं, माइनस 8 डाल रहा हूं। देखो प्रोग्राम को समझो ना, प्रोग्राम क्या कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक के दरमियान के नंबर डालो। अगर यूजर इसके दरमियान का नंबर डालता है तो सही डेटा डाला उसने, सही डेटा डाला तो बस सही है, फिर हमारा लूप नहीं चलेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया है ना। और अगर वो नंबर इससे पहले का या इसके बाद का डाला तो ये बार बार कहता रहेगा एरर एंटर अ वैल्यू इन रेंज 1 to 100। और जैसे ही 4 नंबर डाला लूप एंड हो जाएगा। भाई हमारा प्रोग्राम ये कह रहा है
कि आप जो है ना 1 से लेके 100 तक के दरमियान का जो नंबर डाले तो ठीक है, अगर नहीं डाले तो उसको कहना ये नंबर इसके दरमियान का डालो। तो उसमें कोड ये किया कि वाइल के लूप को जिस नंबर में इनपुट लिया उसी वेरिएबल को चेक करा लिया 2 दफ़ा, 1 से कम और 100 से ज़्यादा। अगर कोई 1 से कम वैल्यू डालेगा तो भी एरर आएगा, और अगर कोई 100 से बड़ी वैल्यू डालेगा तो भी क्या आएगा, एरर आएगा। और जब एरर आएगा तो दोबारा इनपुट मांगेगा, फिर दोबारा चेक करेगा। ऐसे जब तक वो 1 से लेके बीच के 100 का नंबर नहीं डालेगा ये लूप चलता रहेगा, रिपीट होता।